यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी, नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी। ये चमक सारी सच नहीं, सच आता नजर नहीं, जानेगा कैसे सच है क्या, ज्ञान का दीप तू जला, अंधेरों से निकल। तेरे हो जाएगी बड़ी जिंदगी खड़ी दो घड़ी, ज्ञान की रोशनी में देख खुशियाँ राहों में खड़ी, पल हाथों से जाए ना बीते पल ये आए ना, बात है ये पत की तेरे ही बल की, सुन मेरे साथी चल साथ मेरे तू सारे जलाए ज्ञान की बाती, नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी। ये चमक सारी सच नहीं, सच आता नजर नहीं, जानेगा कैसे सच है क्या, ज्ञान का दीप तू जला, अंधेरों से निकल। जेनी जवाई पसंद है? बहु पसंद है आपको? बहु तो चांदी। मजा तो तब आएगा जब मुझे दिया वचन रघुनाथ जी पूरा करेंगे। तो क्या सर्कस में टीचर की जरूरत है जो पढ़ाए? पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझते कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा 30 मार्क हूँ, आप लोग के बीच पला हूँ और आज पढ़ाई के कारण कुछ बन पाया हूँ। क्या है? दिन है। यहाँ क्या है? तुम हो, मैं हूँ। My God। थोड़े ऊपर आसमान में। बुलाओ। अरे बाबा मुझे तंग करने यहाँ क्यों आ जाते हो? क्यों? तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता? काम क्या है बताओ? मुझे रिहर्सल करनी है। मैं भी तो रिहर्सल करने आई हूँ। रिहर्सल? प्यार की। रूबी ने कहा है कि अभी से पप्पू को अपने कब्जे में कर लो, वरना मर्द बहुत इधर उधर भटकते हैं। क्या कहा? मैं कोई चूड़ी हूँ जो कलाई में फिट बैठा रहूंगा मैं? नहीं, तुम तो मेरी जान हो, मेरे दिल में रहोगे। देखो आना, प्यार करना हो तो अपनी भाषा में करो, ये फिल्मी डायलॉग सुनाकर मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। ठीक है तो मैं जा रही हूँ। गुड बाय। तुमने मुझे आवाज दी? नहीं तो दो ना। देखो मैं फिर आ गई। कैसे आदमी हो तुम? अपनी प्रेमिका से इस तरह मिल रहा जैसे कोई रईस आदमी किसी भिखारी को चटकता है। बहुत खराब हो तुम। ठीक है तो अपनी मम्मी से कह दो किसी और से शादी करा देगी वो। हाँ यही ठीक होगा। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो बताओ। हाँ है ना, वो डैनी है ना। यू क्या कर रहा? छोड़ो ना। यही तो चाहती थी ना। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेशरम नहीं हूँ। जाओ ना, थोड़ी सी बेशरमी और कर लेते। गोली मार दूंगा गधे। किसे गोली मारेंगे अंकल? गधे को। लेकिन आप पहले मैनेजर साहब से पूछ लेना, क्योंकि मैनेजर साहब बहुत पैसे देकर दो गधे लाए हैं। मैं दो पांव वाले गधे की बात कर रहा हूँ। यानी मेरी? नहीं यार, धोबी की। क्या किया धोबी ने? अरे मेरी दो कमीज जला दी। जल गई होगी? जल नहीं गई, वो भंग पी के बैठा है सुबह से। मगर वो मैं रघुनाथन को जाके बता। कहाँ जा रही हो? कुछ काम याद आ गया। तो क्या यार टाइम पास करने आई थी? और कोई आ जाएगा। देखो है ना, तुम आई थी अपनी मर्जी से और जाओगे मेरी मर्जी से। अरे मैं जो कहने आई थी वो तो रह गया। तो थोड़ी और पास आओ ना। पागल हो क्या? सब आजू बाजू है और मम्मी भी देखो वहां रिहर्सल कर रही है। देखो है ना, वैसे भी तो हमारी पूरी जिंदगी इसी सर्कस में कटने वाली है और अकेलापन बहुत कम नसीब होगा ना हमें। चुप। देखो मैं ये कहने आई थी कि हम साड़ी लेने कब जा रहे हैं। काय की साड़ी? पहनने की।
अरे शादी में मैं कम से कम 4,000 की साड़ी लूंगी। हाँ अच्छा अच्छा 4,000 की साड़ी। हाँ अरे 4,000 में 8 साड़ी आ जाएगी। पापा ज्यादा कंजूस मत बनो, मुझे कम से कम 4,000 की अच्छी बनारसी साड़ी चाहिए। हाँ और तुम क्या पहनोगे? हाँ फिर मैं कच्छा और बनियान खरीदूंगा नया। छी क्या बात कर रहे हो। हाँ 4,000 की साड़ी खरीद कर वैसे भी तो मैं नंगा ही हो जाऊंगा ना। छी कैसे आदमी हो, मैं 4,000 नहीं और चले शादी करने। सुन लो मुझे 2 तोले का मंगलसूत्र चाहिए और कम से कम 7,000 की साड़ियाँ, और हमें सबको कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा। हम आज के आज ही साड़ी खरीदने जा रहे हैं, तैयार रहना। लोग तो लाखों लुटा देते हैं शादी में और तुम अभी 10-20 हज़ार भी नहीं खर्च कर सकते। मेरा मूड नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मेरा मूड है। तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। नहीं तुम अकेले जाओ। मैं जाऊं? ए? अरे मुंह फुलाए क्यों बैठा है, कुछ बोल ना। अरे कुछ बोलेगा तब तो पता चलेगा। अंकल वो है ना कह रही थी। क्या कह रही थी? वो शादी में साड़ी लेगी 4,000 की। हाँ तो? और 2 तोले का मंगलसूत्र भी। हाँ वो तो करना पड़ेगा। ये सब मुझे पता नहीं था। अच्छा तो तुम्हें ये पता था कि प्यार करना है, शादी करना है, पर खर्च क्या होगा ये नहीं। यानी कि सब 20-25 हज़ार का खर्चा। 10,000 और जोड़ ले यानी 30,000। बाप रे। हाँ इतने तो खर्च होंगे। क्या बात है, कोई खास बातें हो रही है क्या? खास बातें होगी तो भी तुमसे थोड़े ही छिपानी है। अरे समधन जो पहले तुम हमारी। तो तू मेरा समधी? हाँ हीरा मेरा बेटा नहीं तो क्या। तो फिर समधन को शादी में 2,000 की साड़ी लेनी होगी। दे देंगे, थोड़ा समधन और मेहरबान हो जाए, यानी थोड़ा अपनी निगाहों से देख ले तो 20,000 खर्च कर देंगे। अच्छा एना और तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या? नहीं। हाँ नहीं जा रहे हैं। जा रहे हो ना? अरे बाबा नहीं जा रहा हूँ ना। ओह माय गॉड दोनों कंफ्यूज है। अरे कहाँ जाऊंगा? हाँ कहाँ जाऊंगा मैं? जेब में पैसे चाहिए या नहीं? महीने की 2,500 की तनख्वाह, सारे पैसे यूं ही खर्च हो जाते हैं। मुश्किल से 4-5 हज़ार बचाए बस। लो मेरी जान निकली जा रही और तुम हंस रहे हो। मैं कुछ बोलूं? बोलो। रघुनाथ जी के पास जा और उनसे कह कि मैं शादी करने जा रहा हूं, मुझे 30,000 रुपए चाहिए। और उन्होंने मना कर दिया तो शादी मत कर। शादी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ तो रघुनाथ जी से जाके कह कि मुझे 30,000 रुपए चाहिए। क्या हुआ? रो क्यों रहे आप? ओ यासु तो खैर तुम नहीं समझोगे। क्यों किसी ने कुछ कह दिया क्या? बहुत कुछ कह दिया। किसने? मैनेजर साहब ने। क्यों रघुनाथ जी गुस्से में है क्या? क्या कहा उन्होंने? कौन है बाहर? हीरा अंदर आ जाओ। बाहर क्या कुसर पुसर कर रहे हो तुम? जाओ रघुनाथ जी बुला रहे। नमस्ते। बाहर क्या हो रहा था? क्या काम है बोलो। नहीं कुछ काम नहीं है, मैं जाता हूँ।
जा रहे हो? काम होगा तभी तो आए हो ना यहाँ तक। बोलो क्या काम है? ये वो अपनी वो है ना, हाँ, सर्कस? नहीं, वो एना। एना? एना तो जेनी की है। ये भी सही है। ये भी से क्या मतलब? जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक बेटी अपनी माँ की होती है, शादी के बाद वो पति की होती है, और जेनी तो एना की मम्मी है। तुम कौन हो? पति? क्या मतलब? बना नहीं हूँ, बनूंगा। डर क्यों रहे हो? बोलो, साफ साफ बोलो ना, क्या काम है? बोलो जी, मैं एना से शादी करना चाहता हूँ, मगर मगर एना ने ना कर दिया। नहीं, एना तैयार है, जेनी भी। क्या? नहीं मतलब एना के साथ शादी होने वाली है मेरी, मगर शादी के लिए पैसे भी तो। क्यों, तुम्हारी तनख्वाह के क्या करते हो? सेविंग है मेरी 4-5 हजार रुपए। हाँ, मगर शादी के लिए कितना पैसा चाहिए? 2 लाख? 3 लाख? नहीं, 30 हजार चल सकते हैं, 25 भी। मैं एना को एक साड़ी चाहिए 4 हजार रुपए की, और मेरे पास तो पैसे ए, आसुपोच, पैसे तैयार है, ये ले। कि मेरी तनख्वाह से हर महीने को? कोई जरूरत नहीं, ये तुम्हारे अपने पैसे हैं। मैं समझा नहीं। हर महीने तेरी तनख्वाह से 500 रुपए काटता था, तेरी तनख्वाह थी 3 हजार रुपए, मैं 2500 रुपए देता था। हर एक के पेमेंट में से मैं ऐसे ही काटते रहता हूँ, और जब वक्त पड़े उसे दे देता हूँ। ये 40 हजार रुपए तुम्हारे ही है। थैंक यू। और देखो, ये शादी के काम आएंगे, शादी की दावत हमारी ओर से होगी। ओके, जाओ। है ना? तुम्हें साड़ी लेनी थी ना 4 हजार की, मंगलसूत्र भी ले लेना, रघुनाथ जी ने 40 हजार दिए हैं। मुझे भी 20 हजार दिए है ना। देखो, हमें सबके लिए कुछ ना कुछ तो लेना होगा। हम तुम्हारी मम्मी और राजू अंकल को साथ में ले चलते हैं। हाँ चलो, ठीक है, चल। ये साड़ी कितनी अच्छी है ना? बहुत अच्छी है, मगर तुम तो वेडिंग सूट डालोगी ना? नहीं, मैं साड़ी पहन रही हूँ, मुझे साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, और वैसे भी सर्कस में तो हमें फ्रॉक पहनना पड़ता, तो साड़ी पहनने का मौका ही नहीं मिलता। बहुत प्यारी साड़ी है और बहुत ही प्यारा कलर है। कम से कम अच्छी साड़ी पहनने के लिए शादी कर ले देवी। ना बाबा, महंगा सौदा है ये। राजू के लिए और ये देवी के लिए, और ये रूबी के लिए, और ये बाकी सब लड़कियों के लिए। ये शर्ट और पैंट पीस सब जेंट्स के लिए। ये तो बड़ा पैंट पीस लग रहा है। हाँ, ये फुल पैंट के हैं, हाफ पैंट के नहीं। हाँ, भूल ही गए। देखा, मैंने कहा था लिस्ट बना लो, मगर मेरे कोई सुनता ही नहीं है। अरे छोड़ो ना, जाता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे छोड़ो ना, खुद के लिए कपड़ा लाए, मैं तो इसकी में लंगा पुंगा आऊंगा। अरे डैनी, खुद के लिए 5 बार मुझे कपड़ा लाए, मेरा तो एक मुझे सूट बनता है। अरे अरे बाबा ठहरो बाबा, ये ले ये ले, ले। तेरे सूट के लिए कपड़ा लाए, ले। अरे अरे माय बाप ले, ये तेरे सूट। वेरी गुड, अब मजा आएगा शादी में। देवी, और एक मौका, सोच लो। मुझे क्या सोचना है? इसीलिए कह रहा हूँ, सोच लो। मुझे क्या सोचना है? अरे मैं कह रहा था, दो शादी एक साथ हो जाए तो खर्चा कम लगता है। शादी तो पप्पू और एना की है। एक पंडित दो दो शादी करा दे। दो शादी किसकी? एक पप्पू और एना की, और एक तेरी और मेरी। सर, आपने मुझे बुलाया है? हाँ, पता नहीं सुबह से सारे लोग कहाँ चले गए हैं। कल पप्पू की शादी है सर, उसकी तैयारियों में लगे हुए सभी। मगर रिहर्सल भी तो करना है ना। हाँ सर।
शादी हो ब्याह हो हम अपने शोज बंद तो नहीं कर सकते ना। हाँ सर ठीक है, माधव उनको जरा भेज देना। ठीक सर। हेलो, हाँ 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 बोलो मयूर बोलो। हाँ हाँ अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है भेज देना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा भाई। आज भेज रहे हैं ना? ठीक है ठीक है। मियाँ मशीन चलाने वाली टांगे फकत दो हैं, मैं अकेली जान रात दिन अपनी टांगे हिला रहा हूँ, फिर अब थोड़ा बहुत आप लोग सबर करेंगे ना? सबर ये लोग करेंगे मियाँ, नहीं पहला मेरा ड्रेस दे दो। दे दो से क्या मतलब? अम्मा मेरे पास कोई कढ़ाई तो है नहीं कि पकौड़ी डाली तली और तश्तरी में आप लोगों के सामने पेश कर दी। अजीब बात करते हैं आप। मगर डैनी का ड्रेस बनने में तो काफी वक्त लग जाएगा ना चाचू जान? हाय कमबख्त, जान भी कहती हो मगर चाचू पीछे लगाकर मेरे अरमानों पर कैंची क्यों चला रही हो? देखो चाचू, चाचू कहोगी तो बखुदा मैं अपनी आंखें फोड़ लूंगा। हसीना के गुलाबी होठों से नहीं मालूम क्या क्या सुनने को अरमान तड़प रहे, मगर एक तुम हो कि अब एक बात ध्यान में रखिए चाचू। आप हमारा शेर ध्यान में रखिए, अर्ज किया है। अमा हम क्यों रखे शेर, तेना है तो सर्कस में दे दीजिए। देखो चाचू रात तक मेरा ब्लाउज मिल जाना चाहिए, समझे? एक बार सिर्फ एक बार नजरें झुकाकर होंठ चबाकर जान कह दो, खुदा की कसम मैं सारे सर्कस वालों के कपड़े से तुम्हारे लिए तरह तरह के फ्रॉक बना दूंगा। सिर्फ एक बार जान कह दो मेरी जाने तमन्ना। कहेगी मेरी चुतरी। क्या बिजली की तरह कड़क कर चली गई? सुन रहे हो ना मियाँ राजू? सुन रहा हूँ मियाँ। तो फिर जो कुछ सुना है उसी को जरा शायराना अंदाज में बयान तो करो फिर। तो सुन लो मियाँ। इरशाद इरशाद। एक इंसान, हाय हाय कुर्बान जाऊं शहर के मियाँ, हाय हाय कपड़े में पड़ा। वाह आसमान के चांद को देख हाय ललचा रहा है। अरे तुमने मुझे बूढ़ा कहा? अम्मा मियाँ तब तो तुम्हारी ड्रेस कभी नहीं बनेगी। अरे कैसे नहीं बनेगी, कल हीरा की शादी है। उसकी ड्रेस बन चुकी है। हा? उसकी ड्रेस बन चुकी है। अरे तो मेरी ड्रेस। अम्मा मियाँ एक बात बताओ, अब मैं कब्र से उठकर तो तुम्हारी ड्रेस नहीं बना सकता मियाँ, बस दफा हो जा फौरन यहाँ से। अरे अरे ऐसा मत करो मियाँ, अरे अरे मर जाएंगे हम। ठीक है हम सोचेंगे आज। आपने मुझे बुलाया? हाँ पप्पू, एक जरूरी काम है, मिनिस्टर के कुछ लोग आ रहे हैं और अपने सर्कस पर कुछ कवरेज करना चाहते हैं। इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, यहाँ तो सब गंवार हैं। तुम थोड़ा पढ़े लिखे हो, जरा उनके साथ रहना। मयूर के गेस्ट है, वरना हम किसी को आने ही नहीं देते। साहब वो मैडम आ गई। हाँ भेज दो। ओके सर। लगता है बाहर वो लोग आ गए हैं। लेकिन मैं क्या उनको बताऊंगा सर? देख लेना तुम समझदार हो। मैं कमिन रघुनाथ जी। आइए जी बैठिए। हेलो सर। हेलो, मैं मिसेस कपूर। बैठिए। हाँ मुझे मयूर जी ने बताया था। जी हाँ सर, सर मैं सर्कस पे एक रिपोर्टिंग कर रही हूँ। मैंने सर्कस के बाकी लोगों से बात की है, अगर आप परमिशन दे तो मैं कुछ तस्वीरें क्लिक कर लूँ और कुछ इंटरव्यूज ले लूँ। मगर हमारे शोज में कोई बाधा ना बने। डोंट वरी सर, आई प्रॉमिस यू ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे सर्कस के माने हुए जोकर है। जी हाँ मिस्टर हीरा जी। आपने कैसे पहचाना इसे? जी बाहर इतने सारे पोस्टर्स लगे हैं इनके। ये आपको पूरी जानकारी देंगे। ओके थैंक्स अ लॉट सर। ओके चलिए आइए। वाह दिस इज ग्रेट। यस आप यहाँ जोकर का काम करते हैं? यस यानी सबको हंसाते हैं? जी। तो फिर आप क्यों इतने परेशान हैं? नहीं वैसी कोई बात नहीं है। रिलैक्स मिस्टर हीरा, आप मुझे अपना दोस्त ही समझिए। ओके आइए। यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं? ये बड़ी फैमिली की तरह होता है, इनके मालिक सबको पिता जैसे होते हैं और स्टाफ बच्चे जैसा। काफी अच्छा बोल लेते हैं आप जी। कहाँ तक पढ़ाई की है? सातवीं तक।
बस सातवीं तक, आगे क्यों नहीं? आपको क्या जानकारी चाहिए थी? मुझे सारी जानकारी चाहिए, मेकअप डिपार्टमेंट से लेके शो की जानकारी, सब कुछ, यहाँ के लोग, उनके अनुभव, सब कुछ चाहिए। ओके, तो आइए। चलिए। अरे पहले छाती भर के सांस तो ले ले, फिर बोल जो कुछ बोलना चाहता है। यहाँ क्यों चले आए? क्यों नहीं आ सकता? लड़का है ना। तो क्या हुआ, हम उसमें क्या कर सकते हैं? बार बार बकवास करते जा रहे हो, मेरी बात तो सुना। तुम्हारी बात नहीं सुना, यहाँ से चले जा। लेकिन ये याद रखना, हीरा अपना आना को छोड़ के बहुत दूर चला जाएगा। क्या? अरे इसकी बातों में मत आना, ये तो यूं ही देखता है। आना तू इसकी बातों पे जाएंगे तो तेरी महंगी आंखें बहाएंगी। मनोज क्या बकता, तू जाके झूले पे लटकाती हूँ। पहले अपना हीरा को झूले से उतारो, खूबसूरत जवान लड़की के साथ झूला झूल रहा है। माय गॉड, कहाँ है? सब के अंदर। स्माइल प्लीज। थैंक यू। क्या बात है मिस्टर हीरा? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये जेरी जी है, उसकी मम्मी। हाय। वो ऐना है। हाय। शायद नाराज है। नहीं, नाराज क्यों रहेगी? कल इसके और ऐना की शादी है। ओह दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। जेरी जी इनको सबसे मिलाइए ना, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाय। क्या है? वो लड़की कौन है? वो मेरी पहली बीवी है। क्या? और ये तो मुझे आज बता रहे हो? मुझे भी आज ही पता चला ना। मतलब? अरे वो मिसेस कपूर है, सर्कस वालों के इंटरव्यू लेने आई है। तुम कुछ भी सोच लेती हो? तो सोचूंगी नहीं तो क्या, तुम्हें किसी भी और लड़की के साथ देखकर मैं तो बहुत डर गई थी। ओहो, लेकिन ये सब बताया किसने तुम्हें? डैनी ने। डैनी ने? डैनी ने कहा और तुमने मान लिया? अच्छा, अब डैनी मेरे हाथ में आ जाए तो वो बहुत पीटेगा। हाय हाय हाय, ऐसे नहीं करना, ये मेहंदी चली जाएगी। डैनी अब तो तू गया बस। वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया मुझे। थैंक्स अ लॉट मिस्टर हीरा, आपने मेरी बहुत हेल्प की। उसमें थैंक्स क्या है, मैंने तो मेरा काम किया। हीरा एक बात मुझे यहाँ बहुत खटकी, यहाँ के लोग इस सर्कस वाली दुनिया में इतने मस्त हैं कि उन्हें बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है उसका कुछ पता ही नहीं। उसकी जरूरत ही क्या है, यहाँ वो सब है जिसकी जरूरत होती है। यहाँ? यहाँ वैसा क्या है? खाना, पीना, कपड़ा, इंसान को इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है, अपना घर, अपनी पहचान। दुनिया बहुत बड़ी है हीरा, यहाँ पर लोग एक दायरे में कैद है, ना वो पढ़ाई करते हैं, ना किसी के साथ मिक्स होते हैं, जैसे तुम हो, बहुत अच्छे जोकर हो, कल कमाल के जोकर बन जाओगे, लेकिन उसके बाद क्या? यहाँ तरक्की के रास्ते हैं ही नहीं। आपने पढ़ाई की है? जी हाँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता का कोर्स किया है, उसके बाद मैं न्यूज़पेपर में रिपोर्टर थी, और आज मेरे और मेरे पति की खुद की एड एजेंसी है। इतना पढ़कर क्या कमाती आप? यही कोई 4-5 लाख। 4-5 लाख? और मैं आज भी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं अपना MBA कर रही हूँ, यानी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैडम सारे स्टडी ठीक है। हीरा जी, पिंजरे का बंद पंछी अपने पंख फैलाकर कभी नहीं उड़ सकता,
खुले आसमान में उड़ने वाला पंछी ही पूरी आजादी के साथ उड़ सकता है। इंसान को हमेशा तरक्की के रास्ते पर चलना चाहिए, वरना जिंदगी बेकार है और तरक्की के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। मैंने ठीक कहा ना? चलिए चलते हैं। अरे मैं आपको अपना कार्ड देना तो भूल ही गई। ये लीजिए। पिंकी मित्तल। ओह, I'm so sorry, मैंने आपको अपना पुराना कार्ड दे दिया। एक्चुअली पिछले महीने ही मेरी शादी हुई है। ये लीजिए मेरा नया कार्ड। आप मुंबई रहती है ना? पार्ला रहती थी, अब अंधेरी में रहती हूँ। पहले मैं मुंबई में पाला में गुलमोहर सोसाइटी में रहती थी, वहाँ लोग मुझे टिंकी कहकर बुलाते थे। ओके कहाँ खो गए मिस्टर हीरा? बाय। हो जाएगी बड़ी जिंदगी घड़ी दो घड़ी, प्यार की रोशनी में देख खुशियाँ राहों में खड़ी। पल हाथों से जाए ना, बीते पल ये आए ना, बात है ये पत की तेरे ही बल की। सुन मेरे साथी, चल साथ मेरे तू सारे जलाए ज्ञान की बाती। नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती रोशनी चांदनी, ये चमक सारी सच नहीं, सच आता नजर नहीं। जानेगा कैसे सच है क्या, ज्ञान का दीप तू जला अंधेरों से निकल।